बोकारो में डेंगू के मरीज मिलने के बाद मलेरिया विभाग की 8 सदस्यीय टीम सेक्टर 2 सी के स्ट्रीट संख्या 7 पहुंची, जहां जांच कर दवाओं की छिड़काव की गई। बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन को डेंगू मरीज मिलने की सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। हालांकि जो डेंगू के मरीज मिले हैं वो मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर में भर्ती कराए गए थे, जहां से वो स्वस्थ होकर अब अपने घर पहुंच चुके हैं। टीम ने इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए घरों में डंपिंग कर रखे गए पानी को भी नष्ट कर दिया। टीम ने लगभग 5 दर्जन घरों को सैनिटाइज किया। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से मलेरिया विभाग से आए हैं। हम लोग सूचना मिली थी कि यहाँ पर डेंगू का पॉजिटिव मिला है, रोगी संघ है, इसीलिए हम लोग सभी जगह ये छिड़काव कर रहे हैं, डेंगू फोर्स दवा का छिड़काव कर रहे हैं और आरडी की जांच भी कर रहे हैं। कितने आपके सदस्य, कितने आपके टीम में सदस्य हैं? हमारे टीम में सदस्य 9-8 सदस्य सभी आए हैं। जाँच कर रहे हैं हम लोग, जाँच करने के बाद हम लोग छिड़काव भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं।